So, 59th question, what does it say? The ejection fraction increases with increase in what? Now remember, ejection fraction is the amount of drug, amount of blood which is ejected out of the ventricle in one beat. उसका ratio है कितना blood था उसके पहले, that is the end diastolic volume. So ejection fraction increases, किस चीज़ के साथ बढ़ेगा वो? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक मतलब वॉल्यूम मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद कितना ब्लड रहता है वेंट्रिकल के अंदर, एंड सिस्टोलिक, सिस्टोल के एंड में, उससे तो कोई प्रोपोर्शनल नहीं है. रिमेंबर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, थिंक अबाउट इट, डायस्टोल के एंड में जितना ब्लड रहेगा, जितना ज़्यादा ब्लड रहेगा उतना वेंट्रिकल ज़्यादा स्ट्रेच होगा. And remember, there is a principle in cardiology. There is a Frank-Starling mechanism. The more is the cardiac muscle fibers getting stretched, more is the force of contraction. That means, jitna zyada end diastolic volume, utna zyada stroke volume, utna zyada ejection fraction. That is logical. Lekin let's say, aage wala kya bolta hai? What exactly the other says? Other option says, and I'm also going to explain the other points so that we can understand. Peripheral vascular resistance. What is peripheral vascular resistance? It's the resistance offered by the arterial system to the ventricles. In fact, it is the other way around. Jitna zyada peripheral vascular resistance, utna force zyada lagega. Lekin agar heart ka muscles agar limited power hai, to utna ejection fraction jo hai wo kam ho jayega. Kyunki jitna zyada resistance offer karenge, utna wo heart force पंप नहीं कर पाएगा. सो दिस इज एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. वीनो डायलेटेशन, वेन्स डायलेट करके क्या होगा? वेन्स डायलेट करके क्या होगा? ऑल द वेन्स विच इज डायलेटेड, व्हाट विल हैपन? थिंक अबाउट इट. नाउ वी जस्ट कंटिन्यू द कॉमन सेंस, क्या हो सकता है? वेन्स आर गेटिंग डायलेटेड. वेन्स अगर डायलेट हो गए, सारे बॉडी के वेन्स अगर डायलेट हो गए, तो सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा में कम ब्लड आएगा. अगर कम ब्लड आएगा तो यहाँ पे कम ब्लड आएगा, यहाँ पे कम ब्लड आएगा तो राइट वेंट्रिकल में कम ब्लड आएगा, राइट वेंट्रिकल में कम ब्लड आएगा तो लेफ्ट एट्रियम में कम ब्लड आएगा, तो यहाँ पे भी कम ब्लड आएगा, तो उल्टा स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो नॉट. सो द आंसर टू दिस इज एन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, बिकॉज जितना ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम उतना स्ट्रेच होगा कार्डियक मसल फाइबर्स, और जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतना फोर्सिबली वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. लेट्स कम टू 60th one. कैरोटिड बॉडी बैरोरिसेप्टर.